परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम करता है। पेपर लीक जो होता रहा है ये जुड़ा हुआ है नालंदा से और एक अन्य मार्ग से होता, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता। ये बात सही है कि मैक्सिमम पेपर लीक होता है, लोग कुछ लोग रहते हैं नालंदा के उसमें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, पेपर लीक को लेकर लगातार देश के साथ साथ बिहार की सियासत गर्म होती रही है। देखिए, बिहार में लगातार विपक्ष हमलावर रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, मगर एंटी पेपर लीक बिल अब दोनों ही सदन से पास कर दिया गया है, यानी पारित हो चुका है। अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी यह कहते नज़र आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, और यूँ कहे कि विपक्ष इन तमाम चीज़ों में हमेशा से योगदान देता रहा है, शामिल रहा है। वहीं भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि तार तो नालंदा और एक अन्य मार्ग से ही जुड़ा रहता है। वहीं जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया है, मगर जेडीयू भी यह मान रही है कि जी हाँ, बेशक नालंदा से तार जुड़ा रहा है। सबसे पहले आप सम्राट चौधरी को सुनिए, फिर उसके बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र और जेडीयू के डॉक्टर संजीव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहाँ भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार स्वाभाविक है। देखिए, स्वाभाविक है, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। एजेंडा है जो सरकार ने ही उसको लागू करने के लिए कहा था, और पब्लिक के पैसा से और जातीय गणना आपने कराया और आप ही की सरकार ने ये आरक्षण दिया, दायरा बढ़ाया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल। लेकिन मंत्री ने कहा कि आप लोग हमदर्दी जताते हैं वैसे लोगों के साथ जो पेपर लीक करते हैं। नहीं, पेपर लीक करता है वही लोग जो सरकार में शामिल है, वो नालंदा से तार जुड़ा हुआ है। क्योंकि नालंदा आप सही जानते हैं कि मेडिकल में कौन नाम लिखवाता था, इंजीनियरिंग में कौन नाम लिखवाता था, कौन डॉन बोलता था, नाम मैं नहीं रखा, कोई डॉन कहलाता था। और हमको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री की इर्द गिर्द बैठने वाले लोग ही ये पेपर लीक करवाते हैं, दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज जहां चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री उसके सरगना है। तो ये विधेयक का मतलब आप लोग ने बायकॉट कर दिया सदन? अरे बायकॉट किया दूसरे चीज पर ना, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं सरकार कर रही है, इसलिए हम लोगों ने सदन को कहा। बिल तक तो रहते हैं, बिल को लेकर गंभीर नहीं, हमको बहुत गंभीर है हम लोग, और उनके जैसा नहीं कि जाकर हम कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। उन्होंने ही जातीय गणना कराया, आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। तो हमारा मांग है कि उसको 9वीं अनुसूची में आप शामिल कीजिए। अभी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उसके गोद में जाकर बैठ गए हैं और वहीं किलकिला रहे हैं, खेल रहे हैं। तो विधेयक के बारे में अच्छी बात नहीं है, विधेयक के बारे में क्या कहें? ये विधेयक लोगों को समझिए कि आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। ये जहाँ कहीं भी ये विधेयक आया है और पेपर लीक जो होता रहा है ये जुड़ा हुआ है नालंदा से और एक अन्य मार्ग से होता, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता। देखिए, ये विधेयक बहुत ही अच्छा है, ये मेघावी छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए अच्छा है, और उनका जो भविष्य बर्बाद होता है क्वेश्चन आउट करके, और जो उतने टैलेंटेड नहीं है उनका जॉब हो जाए, चाहे नेट में हो जाए चाहे इंजीनियरिंग में हो जाए, ये तो सरासर अन्याय था। ये विधेयक बहुत अच्छा है, पूरी
नीतीश कुमार जी की सारी जनता उनकी तारीफ कर रही है, सारा इनफैक्ट सारे विधायकगण खुश हैं कि बहुत अच्छा विधायक लाया गया है, कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं जेल की भी सज़ा बढ़ेगी, इससे उन लोगों पे लगाम लगेगा, ये अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना मेहनत करके कोई पढ़ाई करके नीट क्वालिफाई करता है और उनके भविष्य को चौपट कर दिया जा रहा है, अभी भी पेपर लीक हुआ है नीट का, तो केंद्र सरकार पता नहीं क्यों नहीं उसे कैंसिल कर रही है, जो कैंसिल करना चाहिए। नहीं नहीं देखिए ये बकवास है, ये बात सही है कि मैक्सिमम पेपर लीक होता है, लोग कुछ लोग रहते हैं नालंदा के उसमें, लेकिन एक अन्य मार्ग वाले एकदम बकवास, अगर ऐसा रहता तो ये क्यों लाते, ये जो लॉ लाए हैं नया तो लाते ही नहीं, ये तो जितने क्रिमिनल हैं अपराधी हैं सब पे नकेल कसने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है, हम लोग सब लोग उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। तो आपने सुना, देखिए बीजेपी, राजद, जेडीयू, इन तीनों ही दल के नेताओं को सुना, एंटी पेपर लीक बिल दोनों ही सदन से पारित हो चुका है और ऐसे में सियासत गर्म हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने जहां जमकर निशाना साधा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर, वहीं भाई वीरेंद्र जो कि लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि तार तो नालंदा और एक अन्य मार्ग से ही जुड़ा है, हमेशा पेपर लीक की जो बातें घटनाएं निकलकर सामने आती हैं अधिकांश नालंदा के ही होते हैं। वहीं जेडीयू के विधायक ने भी जमकर खरी खोटी सुनाई, कहा मुद्दों पर बात कहां करना है, मगर यह भी मान रहे हैं जेडीयू के विधायक कि नालंदा से तार जुड़ने की जो बातें निकलकर सामने आ रही है और लगातार जो विपक्ष कहता नज़र आ रहा है, बेशक कुछ मामले ऐसे हैं जिनका तार नालंदा से जुड़ा है मगर कार्रवाई होती है, मगर अब तो कड़ा कानून आने जा रहा है। खैर इस वीडियो में इतना ही, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में, उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। पेपर लीक जो होता रहा है ये जुड़ा हुआ है नालंदा से और एक अन्य मार्ग से होता है, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता। ये बात सही है कि मैक्सिमम पेपर लीक होता है, लोग कुछ लोग रहते हैं नालंदा के उसमें। कौन डॉन बोलता था, नाम मैं नहीं रखा, कोई डॉन कहलाता था और हमको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री की इर्द गिर्द बैठने वाले लोग ही ये पेपर लीक करवाते हैं। जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं जेल की भी सजा बढ़ेगी, इससे उन लोगों पे लगाम लगेगा, ये अंकुश लगाने के लिए लाया गया है।